हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ उमर अहमद और अभी मैं हूँ शगुना मोड़ पर और आज मैं जा रहा हूँ बिरयानी महल। पिछले एक महीने से शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है शूटिंग में कि टाइम वक्त ही नहीं मिल पा रहा है कि दोस्त लोग के साथ टाइम स्पेंड करे आदमी। तो काफ़ी टाइम निकालने के बाद आज हम और रेहान आए हैं बिरयानी महल। अभी ये शगुना मोड़ है, ये काफ़ी डेवलप हो गया एरिया। हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं बिरयानी महल के और ये देख सकते हैं आप सुरेंद्र कॉम्प्लेक्स, उसी के एक हिस्से में बिरयानी महल। बिरयानी महल के 3-4 आउटलेट हैं पटना में और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है पटना में, जहां आप जा करके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। डिनर हो, लंच हो या बर्थडे मनाना हो, ये अच्छी जगह है। आप लोग जा करके एक बार चेकआउट ज़रूर करें, काफ़ी मज़ा आया हमें भी आज। चलिए आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं बिरयानी महल का। ये देख सकते हैं आप अंदर का व्यू है, काफ़ी यहाँ क्लीनलीनेस है और अच्छी जगह है, एम्बियंस अच्छा है यहाँ का। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ की कि आपको जो है वो अफोर्डेबल रेट है और ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। और आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। आज जो डिनर हो रहा है वो एक खुशी में हो रहा है और आपको खुशी की वजह एंड ऑफ द वीडियो में बताऊँगा मैं आपको। और मैंने यहाँ के ओनर से परमिशन ली कि क्या मैं शूट कर सकता हूँ, तो उन्होंने अलाउ किया कि हाँ कीजिए। इधर वॉशरूम है और देखिए बिरयानी सर्व हो रहा है लोगों को। सूप हो, नूडल्स हो, राइस हो, स्टार्टर हो या मेन कोर्स हो, सब ये लोग अच्छे तरीके से बनाते हैं। और यहाँ हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, देख सकते हैं आप फ्लोर और क्लीनिनेस। क्या मंगा रहे? चिकन कस्सा तंदूरी रोटी। ठीक है, ले आइए भैया। तो गाइस फाइनली हमारा खाना आ गया है, डिनर, और आपको दिखाते हैं क्या क्या हमने मंगवाया। चिकन कस्सा और नान मंगवाया था मैंने और बिरयानी इसके बाद ऑर्डर करूँगा जब ये एंड हो जाएगा तब। जब तक हम लोग डिनर एंड करते हैं तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस फाइनली हमारी बिरयानी आ गई है, गर्मा गर्म टेस्टी बिरयानी बिरयानी महल की। और हम लोग इसको आधा करवा रहे हैं फुल प्लेट को, क्योंकि हमारे पेट में इतनी जगह नहीं थी खाने की। तो वो खुशखबरी जिसकी वजह से आज ये डिनर प्लान हुआ था, वो हमारे 4000 घंटे पूरे हो चुके हैं और 1000 सब्सक्राइबर तो काफ़ी दिन पहले ही हो गए थे। ये सब आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है और काफ़ी लोगों ने मेरी मदद की है इस चैनल को चलाने में, तो उन लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। ये जगह काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है और आपको जाना चाहिए एक बार अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीटी व्लॉग्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।